सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर मॉडल आंसर रखा गया, तीन मॉडल आंसर ऐप पर रखे गए हैं, उद्भव से है, विशेषताओं से है और पतन से है। तो पतन का मॉडल आंसर रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं वहां पे जाकर। मैं थोड़ा सा वो बता देता हूं कि पतन हुआ कैसे था, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। अब पतन के देखिए दो सिद्धांत हैं, एक आकस्मिक पतन का सिद्धांत है और दूसरा जो है, यहां पे देखिएगा कम से कम चार वैरायटी के प्रश्न, चार प्रकार के पतन पे प्रश्न बन रहा है। मॉडल आंसर होने के बाद भी हम मैं थोड़ा सा ड्राफ्टिंग कर रहा हूं, यही से चारों प्रकार का प्रश्न पकड़ में आएगा। आकस्मिक पतन का सिद्धांत है और क्रमिक पतन का सिद्धांत, क्रमिक पतन का सिद्धांत है। आकस्मिक पतन के सिद्धांत में दो सिद्धांत, आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण, दूसरा जो है प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, सुनामी है। ये कोई मतलब है ही नहीं, ये सब आप जान रहे हैं, बस मैं ये इसलिए लिख रहा हूं कि प्रश्न क्या सेट हुआ है, आंसर कैसे देना है, ये बना रहेगा तभी आप उसे समझ पाएंगे। क्रमिक पतन का सिद्धांत, क्रमिक पतन के सिद्धांत में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। अगला कौन सा सिद्धांत है भाई? तो अगला जो है वंस अगेन प्राकृतिक आपदाओं में नदियों का मार्ग परिवर्तन है, नदियों का मार्ग परिवर्तन। अगला क्या है? अगला सिंधु सभ्यता के लोगों का, सिंधु सभ्यता के लोगों की पारंपरिक जीवन शैली है, पारंपरिक जीवन शैली। एकाक और सिद्धांत हो सकता है, मोटी मोटा इसी के आसपास ये सिद्धांत। अब प्रश्नों के प्रकार पे मैं आता हूं, वहीं से आप लोग को अंदाजा लग जाएगा कि आईएस आपके दिमाग के साथ खेलता है। आईएस आपके दिमाग के साथ खेलता है मींस वो थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करना चाहता है कि एक नया लड़का होगा तो वो दूसरी दिशा में निकल जाएगा, बस वो वही चेक करना चाहते हैं कि अभी मानसिक रूप से ये लड़का एकदम से बचपना है या मानसिक रूप से सही मायने में प्रशासनिक दायित्व को संभालने की योग्यता इसके अंदर है। सारा खेल क्या है भाई? सारा खेल मानसिक रूप का है। अगर वो मानसिक चपलता, वो मानसिक रचनात्मकता, वो मानसिक सृजनात्मकता 21 साल की उम्र में है, नो मैटर यूपीएससी आपको खींच लेती है। अगर वो मानसिक कह सकते हैं कि जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी नहीं है, अभी भी आदमी जो है एकदम बिल्कुल कुंड तरीके से जो पारंपरिक शैली है वैसे सोच रहा है, नो मैटर अगर वो 32 साल की उम्र में भी अटेम्प्ट दे रहा है, वो फेल होकर के उसे यूपीएससी जानबूझ करके कम नंबर देती है कि ये रेस से बाहर हो जाए। आंसर राइटिंग बैच में तो यही हम लोगों को फायदा है भाई ने, कि हम लोग एक होलिस्टिक वे में चीजों को डिस्कस करते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि मुझे पतन का एक एक सिद्धांत आपको पढ़ाना है। तो आइए पहले प्रश्न पे आते हैं। एक बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और ये प्रश्न जो है आज से 43 साल पहले, मतलब जब मैं भी जन्म मेरा नहीं हुआ था तब पूछा गया है। दो प्रश्न है लेकिन हम लोगों का मुद्दा जो है वो
कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के विभिन्न कारणों पर चर्चा करें। प्रश्न क्या है? प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के विभिन्न कारणों पर चर्चा कर। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के भी, ये पीसीएस टाइप का क्वेश्चन है और आईएएस में ये 42-43 साल पहले पूछा गया। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो आपके दिमाग को भटका, प्लेन क्वेश्चन है, आप प्लेन आंसर दे देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संदर्भ में इतिहासकारों में विभिन्न दृष्टिकोण प्रचलित है। मोटे तौर पर इसे दो भागों में देखा जाता है। इतिहासकारों का एक समूह मानता है कि सभ्यता का आकस्मिक रूप से पतन हो गया, जबकि इतिहासकारों का दूसरा समूह मानता है कि नहीं, सभ्यता का पतन धीरे धीरे क्रमिक रूप से हुआ था। उसके बाद एक एक करके आपको क्या करना है, एक एक करके आपको जो है चर्चा कर देना है। अगले प्रश्न पे जो हम लोग आते हैं वो प्रश्न भटकाने वाला है। 1984 में भी यही प्रश्न रिपीट हुआ है कि पतन के कारण आप कैसे बताएंगे। अगला जो है, अगला ये क्वेश्चन 1986 है, ये बड़ा ही शानदार प्रश्न है। 1986 में, अब देखिएगा यहीं से प्रश्न को आप कैसे पकड़ेंगे। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, लिख लीजिएगा, प्रश्न जरूर लिखना है। पारिस्थितिकी प्रमाण के आधार पर, पारिस्थितिकी प्रमाण के आधार पर इंद्र दोषी ठहरता है। इन प्रश्न जरूर लिखिएगा क्योंकि ये कैटेगरी 4 का क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी प्रमाण ये कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन जो है कैटेगरी 1 है, ये वाला प्रश्न जो है कैटेगरी 4 है, डिफिकल्टी लेवल है। पारिस्थितिकी प्रमाण के आधार पर इंद्र दोषी ठहरता है, सिंधु घाटी की, सभ्यता के, आकस्मिक अवसान के बारे में, विभिन्न मतों की व्याख्या, सोना नहीं है मतलब कि ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है। अगर प्रश्न लिखने में समय लग रहा है तो आपके लिए लिख रहा हूं, आपके लिए इसलिए लिख रहा हूं कि छोटे छोटे बिंदु को तोड़ करके आपको समझा सकूं। तो एकदम आप लिखते रहिएगा तो आपको वो नहीं लगेगा। आकस्मिक अवसान के बारे में विभिन्न मतों के कहा गया, विभिन्न मतों की व्याख्या एवं संक्षिप्त विवेचन कीजिए, अब देखते हैं आगे भी कुछ काम का है। आगे का जो प्रश्न है वो यहां से पतन से रिलेटेड नहीं है। प्रश्न क्या करें कि पारिस्थितिकी प्रमाण के आधार पर इंद्र दोषी ठहरता है, कौन दोषी ठहरता है, सिंधु घाटी सभ्यता के आकस्मिक अवसान के बारे में, विभिन्न मतों की व्याख्या एवं संक्षिप्त विवेचन की।
ये प्रश्न का एक भाग है, इसके आप आगे एक और प्रश्न है, क्योंकि वो यही अभी पतन के सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। अब यहां पे मुझे ये बताइए, आप लोग अब थोड़ा सा बातचीत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि, और गलत बता रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि गलत बताएंगे तभी सही की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रश्न में आपको उत्तर क्या लगता है, कैसे उत्तर को अप्रोच करना चाहिए? इस प्रश्न में, चूंकि अगर वो वाला लेक्चर क्लास लेक्चर रहता तो उस वाले क्लास लेक्चर में कोई भी कोचिंग रहता तो आपको कह देता पतन का सिद्धांत बताया गया है और इसे आप क्लास नोट से कर सकते हैं। क्लास नोट से नहीं कर सकते हैं, आप प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं मैटर वो है। तो यहां पर क्या करना है भाई, यहां पर, हाँ सूरज, जी सर, सर मेरे अकॉर्डिंग सर इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करेंगे कि सबसे पहले सर जो ऋग्वेदिक है सर, ऋग्वेद में एक इंद्र द्वारा पुर का पुरों को खंडन करने वाला बताया गया है, तो हाँ जो हाँ पुर की जो विशेषता थी वो हाँ अरे अच्छा, ये ऐसा हो रहा है कि एक का एक्सेप्ट कर रहा हूं तो दूसरा, सूरज फिर से हैंड रेज कीजिए, तो सूरज फिर से या हैंड रेज कीजिए, तो ये सीमा आ गई, सूरज आप हैंड रेज कीजिए। आप सीमा बोलिए, तो सीमा गुड आप बोलिए। इवनिंग अच्छा ठीक है, अब मैं सूरज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सीमा आप बोलिए। आप तो सर। मेरा ओपिनियन ये था कि इस क्वेश्चन में जो पहली जो स्टेटमेंट दी हुई है कि इंद्र दोषी ठहरता है, क्या कह रहे हैं सूरज? सर कह रहा हूँ कि सर जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई है इंद्र दोषी ठहरता है, पहले तो सर इसमें समर्थन करूंगा मैं इस पॉइंट का, क्योंकि जो ऋग्वेद है उसके अंदर इंद्र को पुरों का विखंडन करने वाला बताया गया है, और जिस इंद्र ने जिस पुर का विखंडन किया था, जिसका हर्ष किया था, उसकी जो विशेषता, उसकी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है सर, उन नगर से। ठीक है भाई, प्रश्न में देखिए पारिस्थितिकी प्रमाण जोड़ा गया है, तो अगर पारिस्थितिकी प्रमाण रहेगा तो पारिस्थितिकी प्रमाण के आधार पर, पारिस्थितिकी प्रमाण के आधार पर इंद्र पुरंदर है, पुरंदर राजनीतिक प्रमाण हो गया, इंद्र वर्षा के देवता हैं, वर्षा के देवता से क्या मतलब है कि परिस्थिति का वो है, परिस्थिति मींस की टेक्टोनिक डिस्टर्ब, सॉरी, जो बाढ़ हुआ है उस बाढ़ की वजह से ऐसा हो रहा है। तो प्रश्न में आपको पारिस्थितिकी प्रमाण कह रहे हैं, तो इंद्र का दो रूप रहता है, एक तो किले के तोड़ने वाले हैं, वो राजनैतिक भूमिका उनकी हो गई, युद्ध में किले को तोड़ा जाता है, वर्षा का देवता, तो वर्षा का देवता क्या है, ये पारिस्थितिकी है, ये पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है प्रश्न में पहले आपको बाढ़ के द्वारा पतन के सिद्धांत को बताना है। चलिए इसका स्ट्रक्चर कर लीजिए, उत्तर संरचना कर लीजिए, उत्तर संरचना इसका लिखिए, लिखिए पैराग्राफ वन या भाग एक, भाग एक, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से संबंधित प्रस्ताव, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से संबंधित प्रस्ताव। भाग दो, भाग का मतलब पैराग्राफ है, भाग दो, इंद्र, इंद्र वर्षा के देवता के रूप में, वर्षा के देवता के रूप में ऋग्वेद में, ऋग्वेद में जाने जाते हैं,
वर्षा के देवता के रूप में ऋग्वेद में जाने जाते हैं। अतः इस परिपेक्ष में, इस परिपेक्ष में बाढ़ के द्वारा सिंधु सभ्यता के पतन के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए इस पैरा को समाप्त करें पैरा तीन कर लीजिए, पैराग्राफ तीन जो भाग तीन होगा लिखिए। इस पैराग्राफ में यह चर्चा करें कि केवल पारिस्थितिकी कारण में बाढ़ ही ब्रैकेट में कहिए बाढ़ ही ब्रैकेट में इंद्र वर्षा के देवता बाढ़ ही ब्रैकेट क्लोज इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था बल्कि सभ्यता के आकस्मिक पतन के कुछ अन्य कारण जैसे कि आर्यों का आक्रमण कौमा भूकंप सुनामी जैसे कारकों ने भी या आकस्मिक। अभी मैं बता रहा हूं प्रश्न में एक छुपा हुआ शब्द क्या है, जैसे आकस्मिक कारकों ने सभ्यता के पतन में अपनी भूमिका निभाई। भाग चार कीजिए, पैरा चार या भाग चार, निष्कर्ष में यह बताएं कि सिंधु सभ्यता के पतन में केवल आकस्मिक कारक ही नहीं बल्कि क्रमिक पतन के कारकों ने भी समान रूप से जिम्मेदार थे। अभी अगले प्रश्न पे नहीं बढ़ा जाएगा, फिर से ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न में आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के बारे में विभिन्न मतों की व्याख्या करें। अगर ये आकस्मिक शब्द को हटा देते हैं तो आप एक पैराग्राफ और बनाते हैं और उस पैराग्राफ में जो है क्रमिक पतन का सिद्धांत बताते हैं। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं?
तो आपको ये आकस्मिक प्रश्न में क्या लगाए हैं, वो पतन के अन्य सिद्धांत के बारे में। पहला तो ये क्लियर हो गया कि पारिस्थितिकी प्रमाण के आधार पर इंद्र दोषी ठहरता है। तो पारिस्थितिकी प्रमाण के आधार पर इंद्र दोषी ठहरते हैं ये हम लोग। इंद्र दो प्रकार का रोल है उनका, एक तो राजनीतिक भूमिका है, दूसरा बाढ़ के देवता, वर्षा के देवता। तो पारिस्थितिकी शब्द लगा है, तो पारिस्थितिकी शब्द नहीं रहता तो इस प्रश्न में हम लोग इंद्र के दोनों रूपों पर चर्चा करते हैं। इंद्र के दोनों रूप मतलब पुरंदर वाला रूप और बाढ़ वाला रूप। लेकिन पहले ही वो आपका दिमाग चेक करना चाहते हैं, आईएएस वाला दिमाग, इसीलिए मैं कैटेगरी फोर में इसे रखा हूं। आईएएस वाला दिमाग है कि नहीं, ऐसे में क्या है, पारिस्थितिकी प्रमाण में आप बाढ़ वाला कारण बताएं। आगे प्रश्न में वो कह रहे हैं कि केवल आकस्मिक अवसान के विभिन्न मतों पर चर्चा करिए। वो अवसान नहीं कर रहे हैं, पतन के बारे में कहते तो आकस्मिक और क्रमिक दोनों आप रखते हैं, आकस्मिक अवसान के बारे में चर्चा रखें। तो आकस्मिक का मैंने पैरा तीन बनवाया। पैरा चार में अब क्या है भाई, पैरा चार में कम से कम आप ये बता दीजिए कि यही जिम्मेदार नहीं था। ऐसा प्रश्न में वैसे है नहीं, वो विवेचना करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप समग्र दृष्टिकोण परीक्षक को दिखा देते हैं तो निष्कर्ष में आप जो है तीन लाइन में बता दिए कि आकस्मिक के अलावा क्रमिक पतन का भी सिद्धांत है। ब्रैकेट में कर दीजिए जो है क्रमिक पतन के सिद्धांत में नदियों का बाल परिवर्तन, टेक्टोनिक डिस्टरबेंस थ्योरी, जलवायु परिवर्तन, हड़प्पा वासियों का परंपरागत दृष्टिकोण। इस प्रश्न में अब क्या डाउट बना हुआ है ये बताइए। इस प्रश्न में क्या डाउट बना हुआ है ये बताइए। हाँ सीमा बताइए, बोलिए सीमा। सर बोलना चाह रहे थे जो आकस्मिक अवसान है इसमें क्रमिक वाला डालना है या नहीं डालना है? नहीं, क्रमिक वाला निष्कर्ष में डालना है। ठीक है सर। अगला सर, दूसरे का आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना तो मेरा हट जा रहा है। हाँ, वो सबका हट जा रहा है, वही ये फेरबदल इन लोगों ने किया हुआ है, कल मैं उस पर वो करूंगा। अगला किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? हाँ सुरेश बताइए, सुरेश बताइए। सर एक क्वेश्चन भी रहा था यहाँ पे सर। हाँ। जैसे शुरू में ये पारिस्थितिकी प्रमाण की बात कर रहे हैं तो सर क्या इसमें ऐसा कोई प्रूफ था क्या कि मतलब जैसे बाढ़ आई अचानक तो कहीं पे एक साथ मतलब लोगों की डेड बॉडी का प्रूफ देना है? हाँ, मोहन मोहन जोदड़ो से ही मिला हुआ है। मोहन जोदड़ो से जो पानी का स्तर है वो दीवारों पे मिला हुआ है, तो खुदाई में जो दीवाल है तो नगर के जो दीवाल है वहां पे जल स्तर पानी ऐसे ऐसे लहर की तरह होता है ना, तो लहर वाली चीज जो है वो मिला हुआ है और उस लहर से ऐसा लगता है कि ये नगर जो है डूब गए थे, तो नगर डूब गए थे तो वो सिद्धांत जो है बाढ़ के सिद्धांत में आता है। उपिंदर सिंह उपिंदर सिंह वाली किताब खरीद लीजिए आप लोग, वहां पे काफी ये टॉपिक दिया है। हाँ सलमान, अब आप अपना बताइए क्या क्वेश्चन है। हाँ सलमान, आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है, बताइए आपका डाउट क्या है। नो सर, आप पूछ रहे थे कोई डाउट भी था ये बताना चाहिए, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे अब हम लोग बढ़ रहे हैं। किसी का डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अब ये दो प्रकार का प्रश्न तो आपको मिल गया, इसीलिए मैंने इतने डिटेल में फ्लो चार्ट बनाया था। आप लोग बस देखिए ना, इस बैच में ये समझ जाइए प्रश्न पे आईएएस खेलता कैसे है। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था कि प्लेन क्वेश्चन था, कैटेगरी वन में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के विभिन्न कारणों पे चर्चा कीजिए, कुछ नहीं करना है, जो फ्लो चार्ट है ये सारे कारण को बता देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, आईएएस करता क्या है ना, किसी एक कारण को स्टेटमेंट बना देता है, एक कारण को स्टेटमेंट बना करके प्रश्न वहां से बना देता है। जैसे अब यहां पे क्या है, वो बाढ़ वाले कारण को स्टेटमेंट बना दिया, पारिस्थितिकी प्रमाण के आधार पर इंद्र दोषी ठहरते हैं, कथन की चर्चा करें।
तथा आकस्मिक पतन के विभिन्न सिद्धांतों पर विवेचना करें। अब वो प्रश्न में पारिस्थितिकी प्रमाण पहले बोले हैं, तो हम पहले कौन सा आकस्मिक पे चर्चा करेंगे? बाढ़ वाले सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। बाढ़ वाले सिद्धांत पे चर्चा करने के पश्चात अब वो करें आकस्मिक पतन के अन्य सिद्धांत। तो आकस्मिक पतन का वो पूरे पतन का अगर पूछे रहते हैं, आकस्मिक हटा देते तो हम लोगों को इस पे भी उतना ही चर्चा करना होता, लेकिन प्रश्न में आकस्मिक लगा है। तो आप अगले पैराग्राफ में जो मैं फॉर्मेटिंग कराया कि आपको बाढ़ अब पहले ही बता चुके हैं, अब भूकंप, सुनामी और आर्यों का आक्रमण बताइए। अब इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में निष्कर्ष में आकर के हम परीक्षक से एक नंबर और चुराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एग्जामिनर एक नंबर या कम से कम आधा नंबर तो डैम श्योर है। तो निष्कर्ष में मैंने कहा था निष्कर्ष हमेशा आपका रचनात्मक होना चाहिए। तो निष्कर्ष में आप बता दीजिए कि इस सभ्यता का पतन केवल आकस्मिक कारकों से नहीं हुआ था, क्रमिक कारकों में कॉमा कॉमा दे के, बस इसका नाम कॉमा कॉमा दे करके ये भी जिम्मेदार थे। अब बच्चों यहां पे देखिए प्रश्न पे, ये अगर हटा देता आकस्मिक, बस वो प्रश्न में से हटा देता, कहता सिंधु घाटी की सभ्यता के अवसान के विभिन्न मतों पर चर्चा करते, तो पैराग्राफ टू में, पैराग्राफ वन में प्रस्तावना कहे थे, पैराग्राफ टू में आपने पारिस्थितिकी प्रमाण बाढ़ वाला बताया, पैराग्राफ थ्री में आप क्या बताते हैं, आकस्मिक पतन के अन्य सिद्धांत बनाते हैं, एक पैराग्राफ आपका बढ़ जाता, उस पैराग्राफ में आप क्रमिक पतन का सिद्धांत बताते हैं, निष्कर्ष में बस इतना कहते कि हम निष्कर्षता देखते हैं कि सभ्यता के पतन में आकस्मिक और क्रमिक पतन के कारकों ने समान रूप से भूमिका निभाई थी। पल्ले पड़ा कि नहीं ये बताइए, सही है? यस सर। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब हम अगले वैरायटी के प्रश्न पे आते हैं।